और इतनी इतनी जगह घूम लिए, अभी तक हम तो अयोध्या घूम रहे हैं। अभी 10 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। 70 साल पर 70 साल लग नहीं रही है उम्र, आपकी लग रही थी 17-18 साल उम्र। हम एक दादाजी से मिले, दादाजी बहुत इंटरटेनमेंट लगी हमको, मतलब दादाजी पूछे दादाजी कितने रुपए, कह रहे 10 रुपीज। हमके वाह दादा बुढ़ौती में इससे बोल ले, वाह मजा आ गया खत्म। तो दादाजी आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। हाँ देखिए, मैं श्री ओम वार्ष्णेय रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीगढ़ से रिटायर, अलीगढ़ से रिटायर हूँ। पहली बार यहाँ पर आया हूँ। अच्छा पहली बार दादा अलीगढ़ से पहली बार है, वाह। मैं अभी नेपाल की यात्रा करके आया हूँ, काठमांडू और पोखरा से। वाह दादाजी, मतलब पूरा घूम रहे एकदम, पूरा जलवा है दादाजी एकदम। हाँ दक्षिण भारत भी मैं काफी घूमा हूँ, लेकिन इतना बढ़िया आधुनिक शौचालय कहीं पर भी नहीं मिला, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आदित्यनाथ योगी जी ने बनवाया है। बेहतरीन सुविधाएं हैं, बिल्कुल साफ सफाई है, पंखे चल रहे हैं, पैर से दबाइए तो पानी निकल आएगा, हाथ से दबाएं तो साबुन निकल आता है। आनंद ही आनंद, सर्वानंद कर दिया है और इसको चमका दिया है अयोध्या जी को। अयोध्या नगरी चमन हो गई है, कॉरिडोर बनने जा रहा है, बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से इसको योगी महाराज कर देंगे। बहुत बढ़िया लग रहा था। बहुत आभार योगी जी का और आप सभी का। बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए दादाजी लग रहा है बहुत एक्साइटेड लग रहा है दादाजी, उमर भाई दादाजी लग रहा है ना आप अभी उम्र आपको 70 साल 70 पर 70 साल लग नहीं रही है उम्र, आपकी लग रही थी 17-18 साल उम्र। क्या बात है, जियो राजा जियो। क्योंकि देखिए आपका मतलब वो इमोशन, वो एक्साइटेड, मतलब कि वो आप जिस तरह एक्साइटेड है ना, इस तरीके से लग रहा है आप, मतलब राधे 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 जपा करो, राधे राधे जपा करो। आगे कहा भैया लाइन, राधे राधे जपा करो। क्या लाइन राधे जपा करो, क्या लाइन आप बताइए, क्या लाइन हमारे साथी है, आप लाइन बताइए स्वामी जी, क्या लाइन है ना, आगे की लाइन क्या है, राधे राधे जपा करो, फिर क्या बोलते आगे बड़ा पता नहीं। दादाजी को पता ही लग रहा, भूल गए ना दादाजी। चले कोई बात नहीं, इंसान कभी कभी कोई चीजें भूल जाता है, दिमाग है साला कभी कभी भूल ही जाता है ना। बहुत बढ़िया दादाजी, आपने मतलब आनंद आ गया आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि दादाजी मेरे अलीगढ़ से है, कई जगह घूम के, मतलब हमको तो लग रहा है साला इस उम्र रोना पड़ेगा कि दादाजी इस उम्र इतनी इतनी जगह घूम लिए, अभी तक हम तो अयोध्या घूम रहे हैं, अभी 10 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। बहरहाल 10 साल बाद आज यहाँ 10 साल बाद आके बहुत अच्छा लगा, वीडियो बनाया, मैं सोचा लोग पब्लिक आप लोग दिखाऊँ अच्छी चीजें, और ऐसे उम्र के दादाजी से मिलवाऊँ कि दादाजी इस उम्र इतनी उम्र है लेकिन मतलब एक्साइट, मतलब इनके जैसा होना चाहिए, आप सभी को खुश रहना चाहिए दादाजी, आप लग रहा कोई बीमारी वगैरह नहीं है, हंसो ठहाके मार कर वाह स्वस्थ रहोगे खूब, क्या और दिन भर में चाहे मिले खाने को ही दूब, वाह वाह क्या खाने बात? को ही दूब इसे असली घी मानो, मिले वनस्पत शुद्ध मिलावट तनक न जानो, कहे ओम कबीराय न दर्शन होए मठा के, और स्वस्थ रहोगे खूब मार कर हसो ठहाके। दादाजी की मतलब इतना एक्साइटेड है, मतलब दादी मजा आ गया आपके साथ मिलके, मतलब हम लोग इन जनरेशन में आपसे कविता करता हूँ। वाह दादा कवि, दादाजी मैं सिंगिंग करता हूँ। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड दादा, कभी तभी तो इतने अच्छे से आप बोल ही रहे हैं, आप कभी है तभी तो इस तरह एक्साइटेड, मतलब देखो एक कभी एक आर्टिस्ट ही इस तरह लोगों को हंसा सकता है, क्योंकि एक कभी और मतलब कि जो आर्टिस्ट होता है ना उस सामने वालों को, इसीलिए वो कभी बनता कि मैं लोगों को मतलब हंसाऊं उसका दुख दर्द दूं, सही ना सर? एक कविता सुना दूं सुगर। बिल्कुल बिल्कुल अरे हाँ बिल्कुल, कविता दादाजी हमारे एक कविता सुनाने वाले हैं जो कि बहुत बढ़िया लगेगा, सुधारी सुनाइए। शुगर के ऊपर, शुगर शुगर देखिए पूरे विश्व में 30% व्यक्ति आज शुगर से पीड़ित है। बिल्कुल तो मैंने एक इस पर छोटी सी रचना लिखी है जी, पत्नी ने बड़ी मेहनत से हलवा बनाया, सोफे पे बिठाकर प्यार से खिलाया, खाया मगर मजा नहीं आया, और मैं बोला अरे भाग्यवान यह कैसा हलवा बनाया है, इसमें चीनी तो बिल्कुल नहीं। मेरी आवाज सुनकर पत्नी धीमे से मुस्कुराई और बोली हे प्राणनाथ
आपने काव्य पाठ में दुनिया में नाम कमाया है, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपको कहीं शुगर न हो जाए, इसलिए तुम्हारी कसम ये शुगर फ्री हलवा बनाया है, शुगर फ्री हलवा बनाया है। धन्यवाद, धन्यवाद दादी, बहुत दूर रुक तो जाइए, बहुत बढ़िया दादाजी। ऐसे देखिए शुगर, आजकल लोग शुगर के मरीज ज्यादा लोग पेशेंट, देखिए शुगर पता क्यों हो रही है, पहले चीज आप लोग टेंशन कम लो, हम मानते हैं यार टेंशन है, ठीक है यार टेंशन, देखिए टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, उस चीज जो टेंशन आप लोग लेते उसको सॉल्व करिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, सही है, बिल्कुल सही, शुगर टेंशन, शुगर इसी वजह से बढ़, बाकी देखिए उम्र, मैं मानता हूँ उम्र के बढ़ते हुए आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा परहेज करिए ताकि अच्छे साथ चलिए, क्योंकि देखिए वैसे मेरी माँ को भी शुगर की, मतलब शुगर पेशेंट है, लेकिन उनका भी कभी बढ़ जाता है, मैं तो खुद दवाई कराता हूँ, बहरहाल लेकिन उनकी आर्मी हॉस्पिटल दवाई होती है इसलिए बहुत, मतलब जल्दी ठीक भी हो जाती है, तो भाई आप लोग अच्छी अच्छी दवाइयाँ ले जाइए और थोड़ा सुबह वॉकिंग करिए और थोड़ा अमरूद की पत्ती हो तो उसको खाइए, बहुत अच्छा लगेगा और शुगर भी इससे कंट्रोल आपका कम होगा। बहुत बढ़िया दादी, थैंक यू, आपने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा मेरे साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हो? मैं वैसे लखनऊ से, पर यहाँ सुल्तानपुर से। अच्छा, मैं लखनऊ सिंगिंग करता हूँ और ब्लॉगिंग अभी शुरुआत में, अभी एक महीने। धन्यवाद, थैंक यू, चलिए ठीक दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया।